दिल्लीर रामलीला मैदान रैली जोगदेइछन्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। राजधानी नुआदिल्ली में 1734 टी शरणार्थी कलोनी को नियमित करने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद देवाई रैली आयोजन कर 2 लाख रु अधिक लोक मोदी संबोधन करुछन्ति। शरणार्थी कलोनी को नियमित करने द्वारा 40 लाख लोक मालिकाना हक मिल पार। रैली में जोगदेइ सीए प्रसंग में मंतव्य रखिछन्ति केन्द्र मंत्री नितिन गडकरी। ए आईन मुस्लिम विरोध में नुहे, यह तीन पड़ोसी देश संख्यालघु को नागरिकता प्रदान नहीं एक प्रयास बोली गडकरी कहते हैं। कांग्रेस राजनीति करुवा से अभियोग कर दिल्ली में सीएए विरोध में जोरदार प्रतिवाद चली मोदी भाषण उपर समस्त नजर रही। हिंसा होता दरियागंज अंचल निकटने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी राली स्थल को जाता समस्त रास्ता उपर सीसीटीवी मध्यम तीक्षण दृष्टि दि जाएगी। निकटस्थ कोठा उपर स्नाइपर मान मुतयन कर दिल्ली पुलिस और एसपीजी द्वारा सुरक्षा जांच कर राली आगामी दिल्ली विधानसभा निर्वाचन प्रचार आरंभ कर मोदी। साथियों, मैं भी आपके साथ जुड़ करके देश के दोनों सर्वोच्च सदन, लोकतंत्र के मंदिर, वहां बैठे हुए जनप्रतिनिधि, मैं आपके साथ मैं भी उनको प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन भाइयों, इस बिल के पास होने के बाद कुछ राजनीतिक दल तरह तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हैं। वे लोग भ्रमित कर रहे हैं, भावनाओं को भड़का रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या जब हमने दिल्ली की सैकड़ों, इस बात को समझिए भाइयों बहनों, मैं जरा ये भ्रम फैलाने वाले, झूठ बोलने वाले लोगों से जरा पूछना चाहता हूं, क्या जब हमने दिल्ली की सैकड़ों कॉलोनियों को वैध करने का काम किया तो क्या किसी से पूछा था कि आपका धर्म क्या है, आपकी आस्था क्या है, आप किस पार्टी को वोट देते हैं, आप किस पार्टी के समर्थक हैं? क्या हमने आपसे कोई सबूत मांगे थे? 70 का सबूत लाओ, 75 का सबूत लाओ, 80 का सबूत लाओ मांगा था? केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ हिंदुओं को भी मिला, मुसलमानों को भी मिला, सिख भाई बहनों को मिला, ईसाई भाई बहनों को मिला, जो भी यहां बसते हैं उन सबको मिला। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम देश से लगाव के कारण जीते हैं।